हाय फ्रेंड्स, टुडेज टॉपिक इज बोर्स मॉडल। एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम के चैप्टर का ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेट्स सी इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। सबसे पहले तो इसका डेरिवेशन इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट द रिजल्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो चार रिजल्ट्स हैं। सबसे पहले वेलोसिटी, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। वेलोसिटी इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 z अपॉन n मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड तो हो गया यूनिट। z इज एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट एंड n इज द ऑर्बिट नंबर। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, बोर्स मॉडल का एक ड्रॉबैक दैट इट इज ओनली वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो मैं आपसे हाइड्रोजन के बारे में बात करूंगा बिकॉज हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हम हीलियम को उठाते हैं तो हीलियम में प्रोटॉन्स दो हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी दो हैं, तो इस पे बोर्स मॉडल एप्लीकेबल नहीं है। तो एप्लीकेबल तभी होगा अगर इसमें दो की जगह सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता। तो मैं दो में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दूंगा तो बचेगा हीलियम प्लस। नाउ हीलियम प्लस पे बोर्स मॉडल विल बी एप्लीकेबल। सिमिलरली लिथियम में तीन प्रोटॉन्स है और तीन इलेक्ट्रॉन्स है, तो तीन इलेक्ट्रॉन्स में से दो इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे तब जाके लिथियम में एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा और तब जाके बोर्स मॉडल इस पर एप्लीकेबल होगा। तो बोर्स मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो कोई भी स्पीशी का नाम दिया होगा क्वेश्चन में, तो अगर हाइड्रोजन दिया है तो बाय डिफॉल्ट जेड मतलब एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर आपने इलेक्ट्रॉन्स निकाल भी दिए किसी में से, लेट्स सपोज हीलियम, तो इलेक्ट्रॉन्स निकलने से प्रोटॉन्स के नंबर पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हीलियम हो चाहे हीलियम प्लस हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो टू ही हैं। तो हीलियम प्लस के लिए जेड की वैल्यू कितनी हो गई? टू। लिथियम प्लस के लिए जेड की वैल्यू कितनी हो गई? थ्री। तो ऐसे क्वेश्चन के हिसाब से आपको ये डिसाइड करना है कि जेड की वैल्यू क्या है एंड एन का वैल्यू भी क्वेश्चन के हिसाब से ही होगा। तो अगर क्वेश्चन में बोलता है थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस, तो थर्ड ऑर्बिट का मतलब एन की वैल्यू थ्री और हीलियम प्लस सिंस नाम लिया है तो मतलब जेड की वैल्यू टू। तो वेलोसिटी का ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। सिमिलरली रेडियस का फॉर्मूला, पॉइंट फाइव टू नाइन इंटू एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम। देन एनर्जी का फॉर्मूला, दिस एनर्जी इज टोटल एनर्जी, दिस इज अ समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इसका फॉर्मूला है -13.6 z square by n square ev per atom। ev मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट और हम एक एटम की बात कर रहे हैं, तो मतलब अगर एक एटम है और एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इतनी एनर्जी, अगर 10 एटम होंगे तो इस एनर्जी को 10 टाइम्स हम कर देंगे। तो ये बेसिकली तीन फॉर्मूले हैं। इसके अलावा हम इन फॉर्मूलों को यूज करके और बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। जैसे कभी कभी आपसे टाइम पीरियड पूछा जाता है, तो टाइम पीरियड इज 2πr/v। सिंपल सी बात है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है एक न्यूक्लियस के आसपास तो इलेक्ट्रॉन कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, दैट इज सर्कमफेरेंस 2πr, और डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी विल गिव यू टाइम पीरियड। सिमिलरली अगर आपसे फ्रीक्वेंसी पूछा जाए तो फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आप इस फॉर्मूले को उल्टा भी कर सकते हो। तो ये कुछ बेसिक बेसिक फॉर्मूले हैं। इन फॉर्मूलों को यूज करके जो बेसिक क्वेश्चन है बोर्स मॉडल के, वो सारे हम लोग अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट। हम एक ही क्वेश्चन करते हैं और उसमें से सारे निकाल लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास हाइड्रोजन का और हीलियम का एक एक आयन है। हाइड्रोजन का एक एटम, हीलियम का एक आयन। जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है वो सेकेंड ऑर्बिट में घूम रहा है, जबकि हीलियम का जो इलेक्ट्रॉन है वो फोर्थ ऑर्बिट में घूम रहा है। सो द क्वेश्चन इज फाइंड द रेशियोज ऑफ वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर रिवॉल्विंग इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एंड फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। तो मुझे वेलोसिटीज का रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन का नाम लिया मतलब जेड की वैल्यू 1, हीलियम का नाम लिया मतलब जेड की वैल्यू 2, सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन बोला तो एन की वैल्यू 2, फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस बोला तो एन की वैल्यू 4। नाउ अगर आपको वेलोसिटीज का रेशियो लेना है तो आप हाइड्रोजन के जेड और एन की वैल्यू डाल के हाइड्रोजन की वेलोसिटी निकाल सकते हो, हीलियम का जेड और एन डाल के हीलियम की वेलोसिटी निकाल सकते हो और फिर दोनों को डिवाइड कर सकते हो। ये हो गया पहला मेथड। ये थोड़ा लंबा मेथड है क्योंकि आपको बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी।
एक शॉर्टकट मेथड भी है जो बहुत ही सिंपल सी चीज है. ये जो चीज है 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6, ये एक कांस्टेंट है जो तब भी आएगा जब आप हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेशन करोगे, और ये तब भी आएगा जब आप हीलियम के लिए कैलकुलेशन करोगे, और जब आप इनकी रेशो लोगे तो ये वाली चीज तो कट ही जाएगी. तो इफेक्टिवली आपको बार बार मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. सो सिंपल थिंग इज वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन अपॉन वेलोसिटी ऑफ हीलियम प्लस विल बी सिंपली जेड ऑफ हाइड्रोजन अपॉन एन ऑफ नाइट्रोजन, एन ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय जेड ऑफ हीलियम प्लस अपॉन एन ऑफ हीलियम प्लस. मतलब हाइड्रोजन का जेड कितना है 1, हाइड्रोजन का एन कितना है 2, डिवाइडेड बाय हीलियम का जेड कितना है 2, हीलियम का एन कितना है 4. तो दिस अल्टीमेटली गिव्स मी 1. तो ये हो गया पहला क्वेश्चन जिसमें हमने वेलोसिटीज का रेशियो निकाला. सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियाइज. तो अगेन सिंपल सी चीज है, एन और जेड दोनों की वैल्यू तो हमें पता ही है. तो हाइड्रोजन के लिए रेडियस निकाल लो एन और जेड की वैल्यू डाल के, हीलियम के लिए रेडियस निकाल लो, दोनों को डिवाइड कर दो. एंड अगेन 0.529 वाला जो फिगर है वो तो दोनों में ही आ रहा है. तो जब आप रेशियो लोगे तो ये कट जाएगा. तो अल्टीमेटली रेडियस ऑफ हाइड्रोजन अपॉन रेडियस ऑफ हीलियम प्लस इसका रेशियो विल सिंपली बी एन स्क्वायर बाय जेड फॉर हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर बाय जेड फॉर हीलियम प्लस. तो इफेक्टिवली स्पीकिंग एन स्क्वायर बाय जेड फॉर हाइड्रोजन विल बी 2 का स्क्वायर अपॉन 1 डिवाइडेड बाय दिस विल बी 4 का स्क्वायर अपॉन 2. तो ये हो गया 4 अपॉन 16 बाय 2 इज 8, दैट इज 1/2. तो इस तरह से हम लोग एनर्जीज का और भी फॉर्मूले निकाल सकते हैं. लेट्स सी नाउ एनर्जीज का फॉर्मूला भी हमारे पास है -13.6 x² / n². तो अगर एनर्जीज का रेशियो निकालना है तो एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस. तो ये फॉर्मूले में -13.6 विल गेट कैंसल्ड आउट. तो z² / n² ही है. z² / n² ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय z² / n² ऑफ हीलियम प्लस. सो दैट विल गिव मी इसका z² 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर. तो इफेक्टिवली दिस गिव्स मी 1. सिमिलरली अगर टाइम पीरियड्स का रेशियो निकालना है तो 2πr/v. नाउ टाइम पीरियड्स का जो रेशियो निकालना है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2πr/v. तो इसमें कैलकुलेशंस बहुत सारी होंगी, बट अगेन रेशियो निकालने का सबसे अच्छा पॉइंट यही है कि जब रेशियोज हम निकालते हैं तो कॉन्स्टेंट्स कैंसिल हो जाते हैं. तो पहली बार तो 2π ये हाइड्रोजन में भी आएगा, हीलियम में भी आएगा, तो दोनों कैंसिल हो गए. रेडियस का जो फॉर्मूला है उसमें 0.529 × n² / z आता है, एंड वेलोसिटी के फॉर्मूले में 2.18 × 10⁶ जेड अपॉन एन आता है. तो अब ये चीज एक कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है, और 2π भी एक कांस्टेंट है. तो अल्टीमेटली जब आप हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेशन करोगे तब भी तीनों चीजें आएंगी, जब आप हीलियम के लिए करोगे तब भी तीनों चीजें आएंगी, और जब आप रेशियो लोगे तो ये कट जाएंगी. तो इफेक्टिवली जो बचेगा दैट विल बी एन स्क्वायर अपॉन जेड ऊपर एंड जेड अपॉन एन नीचे. और ये एन जब ऊपर गया तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ द टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर. तो इफेक्टिवली अगर आपको टाइम पीरियड ऑफ हाइड्रोजन अपॉन टाइम पीरियड ऑफ हीलियम निकालना है तो आपको सिंपली ये करना है एन क्यूब बाय जेड स्क्वायर फॉर हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर फॉर हीलियम प्लस. तो बस इसकी वैल्यू डालिए और काम हो जाएगा. एन क्यूब दैट इज 2 का क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर 1² डिवाइडेड बाय यहाँ पे एन क्यूब 4 का क्यूब डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर. तो इफेक्टिवली ये 2 का स्क्वायर ऊपर गया, 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई होकर 32 अपॉन 64. दिस फाइनली गिव्स यू द आंसर एज 1/2. तो ये बेसिक फॉर्मूले यूज करके आप बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो. तो ये जितने भी क्वेश्चंस थे, टाइम पीरियड वाला क्वेश्चन इज गुड फॉर जेई एडवांस, बट उसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं दीज आर गुड फॉर जेई मेंस एंड मेडिकल एग्जाम्स, ऑल्सो फॉर सीईटी. तो
इन फॉर्मूलों को यूज करके बेसिक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि एडवांस लेवल के क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं. थैंक यू.